सिवरेज लाइन की सफाई के दौरान बिना किसी सुरक्षा के गहरे नाले में उतरने से अब तक कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है बावजूद इसके अब भी जिम्मेदार प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है ऐसा ही एक नजारा रतलाम शहर में देखने को मिला जहां सिवर लाइन में पानी की निकाली के लिए वेतन भोगी कर्मचारी को सात फीट गंदे नाले के गड्ढे में उतार दिया जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री ओ पी एस भदौरिया के रतलाम प्रवास के दौरान ही नगर निगम का अमानवीय कृत्य सामने आ गया रविवार को शहर मोचीपुरा में सिवर लाइन के करीब सात फीट गहरे गड्ढे से पानी की निकासी सरल कराने वेतन भोगी के लिए दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मी भरत कैलाश की जान जोखिम में डाल दी गई स्वच्छता निरीक्षक किरण चौहान के निर्देश के बाद एक डंडा और लोहे का पाइप लेकर सफाईकर्मी भरत कैलाश को गंदे पानी से भरे गड्ढे में बिना किसी सुरक्षा व इंतजाम के कई बार डुबकी लगानी पड़ी ये पहली मरतबा नहीं है जब नगर निगम की सफाई गैंग के कर्मचारियों को इस तरह जान का जोखिम लेकर कार्य करना पड़ा है पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं फिलहाल शर्मसार करने वाले इस मामले के बाद प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी रतलाम से आमिन हुसैन की रिपोर्ट